नमस्कार, भोजपुर दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश रोशन। बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की मांग को लेकर भोजपुर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा जिलाधिकारी के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना के माध्यम से वहां पर वक्ताओं ने बताया कि जिस प्रकार से बिहार से अलग होकर झारखंड बना, तब से सारे खनिज संपदा झारखंड में चले गए हैं और बिहार की स्थिति बहुत ही गंभीर स्थिति में है। इसलिए केंद्र सरकार को अविलंब इस पर आकलन करके बिहार को विशेष राज्य देना चाहिए। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आंदोलन खड़ा करेगी। बिहार के बंटवारे के बाद जब झारखंड हमारा अलग हो गया, सारे खनिज संपदा झारखंड में चला गया और बिहार के पास कृषि के अलावा बालू, बाढ़ और सूखा रह गया और बिहार का पीछे विकास रुक गया और इसके पिछड़ेपन के कारण यहाँ उद्योग धंधों का चौपट होना, यहाँ विकास की गति बहुत मध्यम हो जाना और सारे खनिज पदार्थ का झारखंड में चले जाना ही विशेष कारण है। और बिहार को विशेष पैकेज की मांग के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि बिहार का जो बंटवारा हो रहा है उसके बाद बिहार को विशेष पैकेज दी जाएगी, लेकिन इतने दिन हो गए, फिर राजग की सरकार है लेकिन बिहार को विशेष पैकेज तो बहुत दूर की बात, कोई भी सहयोग नहीं किया गया और बिहार को अपने हाल पर छोड़ दिया गया। इस परिस्थिति में बिहार के विकास के लिए, समग्र विकास के लिए, चौतरफा विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा होना निहायत ही जरूरी है। इसलिए हम लोग ये मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए ताकि हम विकास कर सकें और देश के साथ कदम से कदम मिलाकर के चल सके। नाम बताइए। प्रभात कुमार सिंह, अध्यक्ष भोजपुर जिला राष्ट्रवादी का। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना जरूरी हो गया, कारण कि हमारे जिला अध्यक्ष ने जो अभी कहा कि झारखंड के अलग हो जाने के बाद बिहार में कोई खनिज नहीं रहा, सब चला गया झारखंड में और यहाँ पर बाढ़ और वो हमारे भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का बहुत बड़ा जो है कि नहीं तो वह किसानों के लिए घातक हो गया, किसानों के लिए घातक हो गया। और जब तक बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज नहीं मिलता है तो बिहार को, बिहार के आम पब्लिक को गुजर बसर करने में बहुत दिक्कत और कठिनाई होगी और विकास तो रुक जाएगा, विकास रुक गया है। किसानों का कर्ज, शरद पवार हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, इन्होंने 20 साल हो बहुत बड़ी रकम किसान पूरे देश भर में फांसी लगा करके मर रहे थे, जान दे रहे थे, उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, शरद पवार ने टोटल देश भर का जो है कि नहीं से ध्यान दीजिए, देश भर के किसानों का कर्ज माफ किया था। नाम बता दीजिए अपना नाम। हमारा नाम भरत त्रिपाठी, मैं यहाँ का प्रभारी हूँ अपने जिले।